दोस्तों साल 1985 पर बड़े पर्दे पर आई सुपरहिट फिल्म प्यार झुक नहीं सकता तो आपने देखी होगी, जिसकी कहानी प्रीति और अजय दो प्रेमी जोड़ों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, जहां इन दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार के बावजूद इन दोनों को अलग करने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन इन दोनों का प्यार कई साजिशों के बावजूद मुकम्मल हो जाता है। फिल्म की इसी कहानी को लेकर गानों तक दर्शकों ने अपना खूब प्यार दिया था, लेकिन आज तकरीबन 35 साल हो गए इस फिल्म को बीते हुए और इन बीते 35 सालों में फिल्म में नजर आए कलाकार भी कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। इन्हें पहली नजर में पहचान पाना भी काफी मुश्किल सा लगता है, तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के कुछ चुनिंदा कलाकारों के बारे में ही बताने वाले हैं, जो कि इन बीते 35 सालों में काफी ज्यादा बदल गए हैं। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं कि कौन है वो कलाकार। नंबर एक, असरानी। इस कड़ी में सबसे पहला नाम शुमार है अभिनेता असरानी का, जिन्हें फिल्म में जैकी के किरदार में देखा गया था, जो फिल्म का सबसे मजेदार किरदार होता है, जिनके अंदाज से आपको भी काफी ज्यादा हंसाया होगा। इसी के साथ बात करें असरानी के आज के बारे में, तो बता दें कि आज ये 80 साल के हो गए हैं और पहले से काफी ज्यादा बूढ़े नजर आने लगे हैं। जिनके चेहरे पर यूं तो झुर्रियां हो चुकी हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी आज भी पहले की ही तरह दमदार है, जिन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये 80 साल के हैं। वही बता दें कि आज ये फिल्मों में सक्रिय हैं, जो वर्तमान में अपनी पत्नी मंजू और बेटे नवीन के साथ मुंबई में ही रहते हैं। नंबर दो, मास्टर विकी। फिल्म में प्रीति और अजय की बेटी विकी की भूमिका अदा करने वाले अभिनेता हैं मास्टर विकी, जो कि इस फिल्म में छोटे थे और आज काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, जिन्हें पहली नजर में देखकर आप पहचान भी नहीं पाएंगे। बता दें कि विकी आज फिल्मों से काफी दूर हैं, जिन्हें आखिरी बार साल 2004 में आई फिल्म हम कौन हैं में देखा गया था, जिसके बाद आज ये पूरी तरह से लाइमलाइट से ही गायब हो चुके हैं। नंबर तीन, बिंदु। फिल्म में कामिनी का किरदार पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री हैं बिंदु, जिन्होंने अपने हर एक किरदार की तरह इस किरदार को भी बखूबी पर्दे पर उतार कर इसे इतना ज्यादा यादगार बनाया था। वहीं अगर बात की जाए अभिनेत्री बिंदु के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि आज ये अपनी 69 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और इसी के चलते बढ़ती उम्र के प्रभाव से इनके चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां नजर आती हैं। इनका चेहरा भी पूरी तरह से ढल चुका है और आज ये काफी ज्यादा झुर्रियादार हो चुका है। बता दें कि आज ये अपने पति के साथ ही मुंबई में रहती हैं, जिन्होंने काफी समय से अपने करियर को विराम दिया हुआ है। नंबर चार, डैनी डेंजोंगप्पा। इस कड़ी में एक नाम अभिनेता डैनी का भी शामिल है, जिन्होंने इस फिल्म में भानु प्रताप का किरदार अदा किया था, जिनका ये किरदार फिल्म में प्रीति के पिता का होता है, जो कि अमीरी का फायदा उठाकर प्रीति और अजय को अलग करने की साजिशें और कोशिश करते हैं। बता दें कि किरदार को पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता डैनी डेंजोंगप्पा के आज के बारे में बात की जाए, तो आज ये अपनी 72 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, जिनकी इस उम्र में आज भले ही इनके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां तो आ चुकी हों, लेकिन बावजूद इसके आज भी इनकी पर्सनैलिटी काफी दमदार लगती है, जो वर्तमान में अपने करियर को बनाए हुए हैं और 2019 की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में नजर आ चुके हैं। बता दें कि वर्तमान में ये अपनी खूबसूरत पत्नी गावा डेंजोंगप्पा और दोनों बच्चों के साथ मुंबई में काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। नंबर पांच, मिथुन चक्रवर्ती। फिल्म में मुख्य किरदार अजय का होता है, जो कि एक फोटोग्राफर होते हैं और अपना दिल एक अमीर घर की बेटी प्रीति को दे बैठता है। फिल्म के इसी किरदार को पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता हैं मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने इस दमदार किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। बात की जाए मिथुन चक्रवर्ती के आज के बारे में, तो मिथुन चक्रवर्ती आज अपने जीवन के 70 सफल साल पूरे कर चुके हैं, जो अपने इन 70 साल की उम्र में भी आज काफी ज्यादा बूढ़े नजर आते हैं, जिनके चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां नजर आ चुकी हैं, साथ ही इनके बाल भी सफेद हो गए हैं और इसी के चलते आज इन्हें फिल्मों में एक हीरो नहीं बल्कि हीरो के पिता के किरदार में ही देखा जाता है। बता दें कि ये जल्द ही अपने आने वाली फिल्म 12 o'clock में अभिनय करते हुए भी नजर आने वाले हैं। नंबर छह, पद्मिनी कोल्हापुरी। इस कड़ी में आखिरी नाम शामिल है अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का, जिन्हें फिल्म में प्रीति के किरदार में देखा गया था, जो अजय से प्यार करती है लेकिन अपने पिता की साजिशों के कारण अजय को गलत समझ बैठती है। बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरी के आज पूरे 55 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी हैं और आज उनके चेहरे पर झुर्रियां भले ही ना आई हों, लेकिन इनके चेहरे पर अब वो पहले जैसा नूर नहीं रहा है। हालांकि ये पहले के मुताबिक ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न हो गई हैं, जो अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में
ही रहती हैं और वहीं रहकर इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को सक्रिय रखा है, जिन्हें साल 2019 में आई फिल्म पानीपत में देखा गया था। वेल दोस्तों, आपको इस फिल्म में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और पसंद आया था, आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने और पाने के लिए आप हमारे चैनल को ना तुरंत सब्सक्राइब करें।